हेलो जी, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बड़े लॉन्ग टूर की नहीं, लॉन्ग टूर तो नहीं है, नेक्स्ट टूर की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो प्लानिंग से पहले बाइक को मरम्मत कराना होता है, बाइक की कुछ चीज़ें वीज़ें होती हैं जो सेटल करनी होती है, तो उसके लिए चलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट बाइक पे। हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार, लॉन्ग टूर से पहले एक दफ़ा जो है ना बाइक की सर्विसिंग वगैरह करवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, ट्यूनिंग करवानी है, तो उस सिलसिले में जो है ना हम निकल पड़े हैं। और ये लंबे टूर से पहले जो है ना बहुत ज़रूरी होता है कि एक दफ़ा आप जो है ना बाइक की मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि रास्ते में आपको बाइक तंग ना करें। और मैं जहाँ भी सोलो रहूँ तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि रास्ते में अगर बाइक ख़राब हो जाए तो फिर ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो टूर से पहले अगर एक दफ़ा बाइक को जो है ना तसल्ली कर ली जाए तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना बाइक तंग नहीं करता। तो अभी जाना है मैकेनिक के पास और वहाँ से थोड़ी सी करवानी है बाइक की टिका टाकी, जिसे कहते हैं कि चेकअप होता है ना, एक रूटीन चेकअप होता है और एक होता है कि अपॉइंटमेंट होती है। तो आज समझ लो कि इसकी अपॉइंटमेंट है बाइक की अपने ससुराल में। वाह, क्या नाम दिया, ससुराल। वर्कशॉप इसका ससुराल ही हो गया ना, और जहाँ से मैन्युफैक्चर हुई वो माइका हो गया, तो अच्छी बात है। क्या कम्बिनेशन बनाया मैंने। तो बस उसी सिलसिले में जा रहे हैं और अभी मिलते हैं आपको चल के सीधा जो है ना वर्कशॉप में ही। चलो जी, वर्कशॉप की तरफ हम पहुंच गए हैं। ऊपर चढ़ा दो। ओके जी, तो सबसे पहले हमने जो है ना इस चेन कवर को और नीचे लीवर को जो है ना डिसमेंटल करना है, ताकि बाद में जब हम जो है ना चेन गरारी की क्लीनिंग वगैरह करें और चेन की लुब्रिकेशन करें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। और लीवर भी इसीलिए हटाया जाता है ताकि जो है ना बाद में जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें आसानी हो। तो शुरू करते हैं और आप देखें इसको। गियर असम्बली और गरारी सेट कवर को डिसम्बल करने के बाद जो है हम दूसरी तरफ आ गए। अब हम जो है ना फ़िल्टर को रिप्लेस करने वाले हैं, तो देखें कि फ़िल्टर को कैसे रिप्लेस किया जाता है। हम आपको पुराना फ़िल्टर भी दिखाएंगे कि उसकी क्या कंडीशन होगी, तो चेक करें आप। जी, हम नया फ़िल्टर डाल रहे हैं, पुराने फ़िल्टर का धागा थोड़ा पिस्ता हो गया है। ये अभी हमें सही बताएंगे कि यार इसकी फ़िल्टर लाइफ, सही भाई बताएं यार इसकी फ़िल्टर की लाइफ कितनी होती है। फ़िल्टर की लाइफ अगर आप जल्दी 1000 किलोमीटर बाद साफ़ करवाएंगे ना, तो इसकी फ़िल्टर की लाइफ तकरीबन 4 से 5 हज़ार किलोमीटर होती है जैनवन की। ये वाला जो है जी, ये पुराना फ़िल्टर था और ये नया फ़िल्टर है। फ़र्क वाजह है, इसका धागा थोड़ा पिस्ता हो गया और ये नया है। बाइक होपफुली अब बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आपको जो है ना फिल्टर लगाना नहीं आता तो आप फिल्टर लगाना भी सीख लें। इसके बाद बारी आ जाती है स्पार्क प्लग की। इसको हम खोल के साफ़ वगैरह कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, इस पर जंग लगाओ ताकि जो है ना हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेहतर तरीके से पहुंचे। प्लग को क्लीन करने के बाद अगली बारी आती है हमारे जो है ना चेन की। तो चेन को क्लीन करने के लिए हम जो है ना सबसे पहले इसका चेन कवर खोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑयलिंग वगैरह हुई हुई होती है, तो नीचे जो भी डस्ट होती है ना वो जो है ना गड्ढे की सूरत में नीचे जमना शुरू हो जाती है, जिससे आपका चेन भी लूज़ हो सकता है और आपका चेन जो है ना अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो वो टूट भी सकता है। तो हम इसको पहले सबसे पहले क्लीन करते हैं। इसको प्रॉपर जो है ना इसकी चेन गरारी को क्लीन किया जाता है, जो भी डस्ट वस्ट होती है, जो कीचड़ सा बना होता है, उसको प्रॉपर क्लीन किया जाता है पेट्रोल से, जिस तरीके से भी किया जाए। उसको क्लीन करने के बाद इसको जो है ना प्रॉपर एक इसकी टाइटनिंग चेक की जाती है, और टाइटनिंग चेक करने के बाद इसको प्रॉपर दोबारा से क्लीन करके इसको दोबारा से जो है ना जिसे कहते हैं कि इसकी प्रॉपर लुब्रिकेशन करके इसको दोबारा से बंद कर दिया जाता है। अच्छा जी,
चेन की सेटिंग और लुब्रिकेशन के बाद बारी आ जाती है टैपिट की सेटिंग की, और उसके बाद साथ साथ इसकी टाइमिंग चेन गिरारी की सेटिंग की। इसकी बहुत ही माइनर सी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन अगर इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाना तो पूरा बाइक हिल के रह जाता है। आपकी जो जिसे कहते हैं कि फ्यूल कंजप्शन भी यहीं से कंट्रोल होती है, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस यहाँ से कंट्रोल होती है, तो इसके लिए अच्छा मैकेनिक होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके टैपिट की सेटिंग और आपके टाइमिंग चेन गिरारी की सेटिंग आपकी बाइक को चीता बना देता है। तो इसकी प्रॉपर सेटिंग जो है ना वो ऐसे समझ कर लें कि फ़र्ज़ है उसके। और इसके बाद जो है ना बारी आती है इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि है टायर की अलाइनमेंट। अगर आपका पिछले वाला व्हील सही तरह से अलाइन नहीं होता ना, तो फिर आपका जो है ना जैसे कहते हैं कि बाइक डिसबैलेंस होता है, वॉबल करता है टायर। अगर आपको वॉबलिंग का नहीं पता तो मैं आपको कैसे समझो, मतलब एक साइड कभी लेफ्ट कभी राइट जाना जो शुरू हो जाता है, तो उसके लिए उसकी वजह ये होती है कि आपका जो है ना वो टायर प्रॉपर से अलाइन नहीं हुआ होता। तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना चेक करने के लिए साइड पर एक पैरामीटर भी दिया होता है, तीन लाइनें सी बनी होती हैं, वही शहीद भाई जो है ना उसको साफ कर करके चेक कर रहे हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वरना जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बाइकर होता है जब बाइक पर बैठता है थोड़ा सा बाइक चलाता है तो उसको बाइक का अंदाज़ा हो जाता है कि यार प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट है या नहीं है। तो ये एक बाइक का जो है ना बहुत ही ज़रूरी काम है, तो वही शहीद भाई ने की है। और अभी उसके बाद जो है ना टायर को घुमा के चेक कर रहे हैं कि यार वो सेटिंग सही बैठी है या नहीं, और वो हमारी सेटिंग जो है ना बेहतरीन बैठ गई है। और अभी जो है ना उसी सेटिंग पर शहीद भाई है इसको लॉक कर रहे हैं ताकि इससे सेटिंग से ना आगे हो ना पीछे हो। बाइक तो सारा सेटिंग में आ चुका है, अब बारी है ऑयल की। तो ऑयल हम चेंज करते हैं और इस दफ़ा हम नया ऑयल ट्राई कर रहे हैं। यामाहा ल्यूब है, पुलिस समिशन 30 है, 1040। ये सुना है जो है वो ल्यूकी मोली के मुकाबले में निकाला है जी। चलो यार इसको मतलब है कि जो ल्यूकी मोली थे उनके लिए निकाला है ताकि वो ल्यूकी मोली से शिफ्ट हो के इस पर आए। क्या बात है क्या बात है, चलो ट्राई करते हैं इसको इस दफ़ा। चले जी, ऑयल हमारा ऑलमोस्ट डल गया और बाइक हमारा जो है ना रेडी हो गया नेक्स्ट टूर के लिए। और थैंक्स टू सईद मियां, इससे अच्छा मैकेनिक मैंने अभी तक पिंडी में नहीं देखा। अगर आप यामा चलाते हो तो सईद से अच्छा मैकेनिक आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। वीडियो में मज़ा आया होगा आपको, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये चाहिए।